हैं फेसबुक लाइव में। इस वक्त हम हाटकोटी में स्वीट हाईटेक नर्सरी में मौजूद है, जो कि एक रजिस्टर्ड नर्सरी है। तो खिमटा जी, जो ये नर्सरी आप लोगों ने तैयार की है यहाँ पे, ये किस एलिवेशन पे है और किस स्टॉक पे है और कौन कौन सी वेराइटियाँ फिलहाल वो है जो आप लोगों ने यहाँ पे ग्रो करी है? डिंपल जी, यहाँ ये इस जगह की हाइट 4800 है, 4800 फीट है, और यहाँ जो ये नर्सरी हमने तैयार की है ये सीडलिंग पे है, मैचिंग सीडलिंग पे है। हमने रूट स्टॉक पे अभी काम नहीं किया है, अभी खाली प्रोपोगेट किया है रूट स्टॉक को, प्रोपोगेशन पे ही डाला है वो M9 और बी सीरीज के कुछ रूट स्टॉक है जिनेवा सीरीज के। और ये जो हमने ये नर्सरियाँ यहाँ पे सीडलिंग पे है, इसमें पहले हमने सीडलिंग ली और उसको हमने ट्रीट किया जैसे H2O2 के बीच, H2O2 का ड्रम लेके उसको उसमें डिप करके। यहाँ मैं इंटरप्ट करूँगा कि उसका क्या मकसद हुआ जो H2O2 से आप? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो एक सैनिटाइजर है, लाइक सैनिटाइजर। वो इससे जो भी वायरल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें आया होगा नर्सरी से, वो सारा उसी वो सारा वही खत्म हो जाता है। वो पहले डिप करके फिर इसको हम अपनी जमीन में गड्ढा करके दबाते हैं। ये बेड ग्राफ्ट है या टेबल ग्राफ्ट? ये टेबल ग्राफ्ट है, ये टेबल ग्राफ्ट है। ये मार्च में टेबल ग्राफ्ट हुई और हमने प्लांटेशन की है, और इसमें हमने लगभग 12 से 15 वेराइटीज तैयार की है, जिसमें से जहां अभी है ये किंग रोड के प्लांट्स हैं। कितनी नर्सरी है जी आपके पास? लगभग 30,000 से 35,000 के बीच है। और सर खिमटा जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब एक आम बागवान नर्सरी खरीदता है, उसको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? कितनी हाइट होनी चाहिए, पत्तों की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसका ग्राफ्टिंग यूनियन की हमेशा बात आती है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बागवान भाई? देखिए डिंपल जी, सबसे पहले तो जो ग्राफ्ट होता है हमारा, अमूमन आपने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग कई बार 1 फुट पे होती है, कई बार 2-3 इंच पे भी होती है। ये कम से कम 6 से 9 इंच के बीच ग्राफ्टिंग होनी चाहिए। वैसे 6 इंच भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गैप होता है 6 से 9 इंच के बीच, इसलिए क्योंकि जब अपरूट करके आप फार्मर को देंगे, फार्मर जब अपने फील्ड में इसको प्लांट करेगा तो वो कहीं ऐसा ना हो कि उसका यूनियन बहुत नीचे चल जाए। तो अगर यूनियन नीचे चला जाता तो उससे क्या प्रॉब्लम आती? उससे एकदम रॉटिंग हो सकती है, जो उसका कॉलर रॉट की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो ग्राफ्टिंग यूनियन है उसका मूड, क्योंकि जब मैं विजिट भी करता हूँ खिमटा जी, आप लोग भी बाहर जाते हैं तो आप देखते होंगे लोगों की जो अमूमन प्रॉब्लम्स है रॉटिंग की, वो मैक्सिमम उन ऑर्चर्ड में है जो बहुत डीप लग चुकी है, डीप लगे। और इसके लिए एक ये भी बताना चाहूंगा मैं बागवान भाइयों को कि जब आप प्लांटेशन करें, जब आप पिट को फिल करते हैं, गड्ढा भरते हैं, तो वो कम से कम 1 फुट ऊपर होना चाहिए, लगभग जैसे यहाँ ये गड्ढा है, ये बेड रेज है इसका। हाँ जी, ये यहाँ से मिट्टी इकट्ठी करके पूरी उस पर इकट्ठी करके फिर उसको सेटल होने दो कुछ टाइम, बारिश बर्फ उस पे पड़े वो सेटल हो जाती है। और गड्ढा जब आप भरते हैं तो उसमें कौन सी चीज डालते हैं? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में तो सुपर फॉस्फेट आप डाउन में 1 से 1.5 फुट। हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 2 फुट के करीब, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो भी आपने ऐड करना है, वर्मी कंपोस्ट है या कोई आपके पास FYM है, सड़ा हुआ गोबर, वो भी आप उसमें नीचे ऐड कर सकते हैं। सुपर फॉस्फेट डालने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उससे रूट को वो ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, और वो नीचे स्टार्टिंग में डालने का हमारा मकसद ये होता है, क्योंकि आप अगर FYM नीचे डालते हैं वो हम उस रीजन में मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर के लिए रूट्स भागती है। कभी भी देखना आपने जहाँ गोबर का गड्ढा होता है घर के पास, तो साइड में अगर आप प्लांटेशन करोगे तो उसकी रूट्स उस साइड को आई होती है, क्योंकि फीडिंग के लिए मॉइस्चर की तरफ रूट भागती है, तो वो 1.5 फुट 2 फुट के लगभग होना चाहिए। अगर आप बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं तो उसको पहले भरना है, फिर उसके बाद उसमें FYM ऐड करना है।
फिर उसके बाद अगर आप एक फुट रेज करते हो आप उसको, तो वो अगर सेटल होकर आधा फुट भी तो आपकी प्लांटेशन उस आधे फुट एरिया में होगी, तो वाटर लॉगिंग और रूट्स भी थोड़ा ऊपर मूव करेंगे जिससे आपके रूट की प्रॉपर है। और जब आप लगाते हो वहाँ पे माइक्रोराइजा ऐड करना बहुत जरूरी है और रूट्स के लिए रूट्स डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद लगाने के बाद उसमें कम से कम 2 से 5 लीटर पानी डालना जरूरी है, क्योंकि जो एयर पॉकेट्स बनते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बेसिकली बागवान भाइयों, खिमटा जी ये बताना चाहते हैं, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, सीधा मिट्टी में पौधा जब लगाते हैं हम गड्ढे में, तो उसको ढीला छोड़ देते हैं, उससे जब हवा ले लेती है तो पौधे की मोर्टिलिटी हाई हो जाती है, सूख जाते हैं पौधे। इसलिए जब आप लगाए तो उसको अच्छे पाँव से बढ़िया दबा दें और उसमें पानी डालें, ताकि जो छिद्र बनते हैं मिट्टी में तो वो बंद हो जाए। और दूसरी बड़ी बात है खिमटा जी के, मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ नर्सरी में जो आपके लीव्स है वो ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं, और जो बची हुई भी है वो बिल्कुल डेड अवस्था में, ये तो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, बहुत सारी जगह हिला के ये गिर गई है। तो इसका भी कोई कनेक्शन है पौधे की मोर्टिलिटी से? क्योंकि मैं अमूमन देखता हूँ सोशल मीडिया पे बिल्कुल ग्रीन पत्तों के साथ नर्सरी सेल की जाती है और बागवान उसको खरीदते हैं जल्दी के चक्कर में। आप अगर फुल डोरमेंसी में गया प्लांट लेते हैं तो वो पूरी तरह से अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे अंदर इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। और आपको वैसे ये नहीं है कि जो आप बिल्कुल पत्ते वाला लाते हैं उसके मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार कई बोलते हैं कि हमने लगाए नहीं मरे, तो वो वेदर पे डिपेंड करता है। वेदर पे अगर वेदर आप जैसे अभी तक ड्राई स्पेल चल रहा है, ड्राई में ये ज्यादा सक्सेस। ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें हम जो 1919 की स्प्रे 10-10 दिन में करते हैं वो इसमें स्टोर है। अब अगर नेक्स्ट ईयर आपका ड्रॉट भी पड़ता है तो जो स्टार्टिंग में जो फीडिंग की जरूरत होती है प्लांट को, अगर वो नीचे से नहीं ले पाता तो वो अपनी जो रिजर्व फूड है इसमें भी टिक जाता है। जब मिलता है तो हमारे जो जहाँ भी हमारे प्लांट ये है मैक्सिमम सर्वाइवल रेट उसका बहुत ज़्यादा है। वो उसका कारण ये है, हम हर 10 दिन में 15 दिन में स्प्लिट डोजेज में 1919 की स्प्रे करते हैं और भी अदर माइक्रो। खिमटा जी एक चीज़ और बताना जानना चाहेंगे हम आपसे, जो जब आप प्लांट करेंगे जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये तो कोई 9-10 फुट तक भी प्लांट है, 11 फुट तक भी है कई प्लांट, तो क्या जब आप इसको प्लांटेशन करेंगे इसको ऐसा ही रखेंगे या इसमें हम कट डाउन करेंगे, इसको कट करेंगे? देखिए इसमें अब फार्मर की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। हम क्या करते हैं, एक प्लांट लंबा प्लांट लेंगे उसको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर काट के फैदरिंग निकालेंगे, क्योंकि हाई डेंसिटी पे जो अगर 6-6 फुट में हमने सीडिंग भी लगाना जरूरी नहीं है, उसका की हाई डेंसिटी पे हो सीडिंग भी हम हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं, मगर उसमें रो टू रो गैप थोड़ा ज्यादा होना क्योंकि शेड ना करे, शेड ना। फिर उसमें एक साल में ही आपका जो 3 साल में आपने पेड़ बनाना है वो 1 साल और 2 साल में बन जाए, और बाकी आप यहाँ से 22-25 इंच में जो कट लगता है उस तरह भी कर सकते हैं, मगर उसमें ये हो जाता है फिर नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ कुछ लगानी जरूरी हो जाती, नहीं तो वो